एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल क्यूपीआर एबीसी। देखिए मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा सीपीएसटी से, ये एंगल इक्वल होगा क्यू सीपीएसटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सीपीएसटी से। और क्या एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, और एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू कैसे? तो सी पी एस टी, ये दोनों ट्राइंगल है तो सी पी एस टी से ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका साइज का रेशियो, इसका साइज भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसका हम लोग काम नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। और देखिए हम लोग जब सिमिलर करेंगे ना ट्राइंगल, तो उसमें हम लोग को एली बाय पीएम लाना है, और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो उसके लिए हम लोग को देखिए बीसी इज इक्वल टू, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सॉरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मीडियन होता है ना वो क्या करता है, किसी भी साइड को इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एडी मीडियन है, तो बीसी को वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग बीडी को टू बीडी अगर लिखेंगे तो टू बीडी का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा लाइन बीसी, तो हम लोग बीसी को टू बीडी तो लिख सकते हैं, या फिर टू डीसी भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो हम लोग को बीडी साइड चाहिए और क्यूएम साइड चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू बीडी लिखेंगे। और क्या एंड क्यूआर इज इक्वल टू क्यूएम, टू क्यू एम, क्यू लिखे ऐसा एडी एंड पी एम आर मीडियन। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इसको रिलीज करते हैं। और अब हम लोग को देखिए ये सब तो हो गया, अब हम लोग को ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर करना है, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूआर एम को सिमिलर करना है। तो हम लोग पहले नेमिंग करेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो एक चीज हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। कहां से? तो देखिए कहां गया, ये वाला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, एबीसी किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, बी और क्यू एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये हुआ। अब इसको इरेज कर ले, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए ये हो गया, एक हम लोग को एंगल तो मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या, टू बी डी बाय टू क्यू एम, टू बी डी बाय टू क्यू एम। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सेकेंड नंबर में लिखे थे क्या, कि हम लोग बीसी को लिख सकते हैं बीडी, और क्यू एम को लिख सकते हैं, क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम, और ए बी वाई पी क्यू का प्रोपोर्शनल तो हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट में। ए बी बाय पी क्यू आया और बी डी बाय क्यू एम आया, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी डी बाय क्यू एम, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। देयरफॉर अब देखिए हम लोग को साइड मिल गया, दो साइड मिल गया, तो
तो किस प्रॉपर्टी से सिमिलैरिटी का किसका ट्रायंगल से दोनों एक दूसरे के सिमिलर होता है? दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम किस प्रॉपर्टी से? तो ऐसे एस सिमिलैरिटी से दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो लोग को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या? ए डी बाय पी एम बाय कैसे? तो सी पी एस टी। हेंस प्रूफ, इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर किया तो सीपीएसटी से हम लोग लिख सकते हैं पास ए बी पहला दूसरा इसका पहला दूसरा, फिर ए डी पहला तीसरा इससे पहला तीसरा, हो गया दोनों सिमिलर। उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों सिमिलर हुआ तो दोनों साइड का प्रोपोर्शनल एक दूसरे के सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया। यही हम लोग को करना था प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी एग्जांपल थोड़ा वो है 6.4 से पहले, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने पूरा वीडियो देख लिया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।